ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर देखिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर को अपन क्या बोलते हैं, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, या फिर आप इसे बोल सकते हैं वन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये आपका वो ट्रांसफॉर्मर है जिसमें एक फेज के लिए एक ही वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें एक फेज के लिए तीन फेज है, आर वाई बी आपके पास में, लेकिन एक फेज के लिए एक ही वाइंडिंग हो, एक फेज के लिए एक ही वाइंडिंग का उपयोग किया गया हो, एक ही वाइंडिंग का उपयोग किया गया हो, कौन सा ट्रांसफॉर्मर कहलाता है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक फेज के लिए एक ही वाइंडिंग होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई, जैसे कई बार बहुत सो कंफ्यूजन होती है कि सभी सोचते हैं कि भाई इसमें एक ही फेज के लिए एक ही वाइंडिंग यूज करते हैं तो ये केवल सिंगल फेज होगा, है ना। तो ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज भी होता है और थ्री फेज भी होता है ना। ये भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहले आप देखिए, इसके अंदर एक फेज के लिए एक ही वाइंडिंग होगी, मतलब प्राइमरी भी, प्राइमरी के तार भी उसी वाइंडिंग से बाहर आएंगे और सेकेंडरी के तार भी उसी वाइंडिंग से बाहर आएंगे, मतलब एक ही वाइंडिंग होगी। इससे पहले हमने जो भी अध्ययन किया, जितने भी हमने जो तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो पैरामीटर पढ़े, वो सब हमने दो वाइंडिंग वाले या टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए पढ़े थे, जिसमें एक फेज के लिए कितनी वाइंडिंग होती है? दो। प्राइमरी अलग होती है, सेकेंडरी अलग होती है। तो अगर मैं इसमें डायग्राम बनाऊँ, जैसे आप सपोज कीजिए कि पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सिंगल फेज स्टेप डाउन, है ना, सिंगल फेज स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो देखो, आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि एक तो सिंगल फेज है और दूसरा स्टेप डाउन है, मतलब वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा। तो देखिए कैसा बनेगा ये, ना। तो इसका मतलब प्राइमरी में घेरे ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी में घेरे कम होंगे, इसलिए तो स्टेप डाउन है, वोल्टेज कम करेगा। तो ये जैसे आप सपोज कीजिए, यहाँ वाइंडिंग ले लेंगे, ये तो हो गई प्राइमरी, तो इसी से ही बाहर निकलेगी सेकेंडरी। जैसा आप मान लीजिए ये ठीक है, ये तो हो गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, और इसी से ही टेपिंग निकाल के, मैंने बताया था ना, वाइंडिंग के जो मेन टर्मिनल है वो तो है, मेन टर्मिनल के अलावा अगर तार निकाल दो तो उन्हें टेपिंग बोलते हैं। तो ये एक टेपिंग यहाँ से निकाल दी और एक टर्मिनल ये निकाल दिया, तो ये तो हो गई आपकी सेकेंडरी, और ये लो वोल्टेज है। ठीक है, क्योंकि इसमें इतने से घेरे आ रहे हैं, खाली ये वाले घेरे, ठीक है ना भाई। और ये जो है, ये आपकी प्राइम, ये मान लो सेकेंडरी में जो घेरे आ रहे हैं वो N2 है, और प्राइमरी में जो घेरे हैं वो N1 है। ये आपकी प्राइमरी हो गई और ये हाई वोल्टेज है, और ये प्राइमरी और ये है आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग।
ठीक है भाई। तो देखो इधर, अब एक ही वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी के तार भी निकले हुए हैं, एक ही वाइंडिंग से जो है सेकेंडरी के तार भी निकले। अब आपके पास तीन फेज होते हैं, तो सपोज करो ये आर फेज दे रखा है आपने, आर फेज ये हो गया, तो ये न्यूट्रल हो गया, और इधर भी ये आर फेज ही आएगा और ये न्यूट्रल आएगा। अब ये आर की जगह बी फेज भी हो सकता है, तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आर फेज भी आ सकता है, बी फेज भी आ सकता है और वाई फेज भी आ सकता है ना। तो ये ध्यान रखना। तो आपके पास में अगर वाई फेज है तो ये भी वाई फेज होगा, अगर यहाँ बी फेज है तो यहाँ भी बी फेज ही बाहर निकलेगा, और अगर ये आर फेज है तो यहाँ भी आर फेज ही बाहर निकलेगा, तीन में से कोई सा भी एक फेज होगा। तो एक फेज के लिए एक ही वाइंडिंग है, ठीक है ना, ये कहलाएगा आपका सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। अब देखो इसमें ये सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, कोई क्योंकि एक ही फेज है। दूसरी बात, स्टेप डाउन है, वोल्टेज प्राइमरी में घेरे ज्यादा है, प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी में घेरे कम है, सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो गया, तो ये हो गया स्टेप डाउन। और एक फेज के लिए एक ही वाइंडिंग है, इसलिए क्या बोला, ऑटो ट्रांसफॉर्मर या वन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अब यही डायग्राम मैं बना रहा हूं आपसे थ्री फेज के लिए, थ्री फेज स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। भाई कई बार क्या होता है, अपन डिप्लोमा वाले तो चलो समझ लेते हैं, बहुत कई बार क्या होता है कि जो बीटेक वाले होते हैं, पूरी बीटेक हो जाती है और पूरी बीटेक कंप्लीट होने के बाद में उन्हें यही पता नहीं होता कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर थ्री फेज क्यों होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अब जितने भी बड़े ट्रांसफॉर्मर रखते हैं ना भाई जीएसएस पे, वो लगभग सब ऑटो ट्रांसफॉर्मर ही होते हैं, क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हमें कई सारे लाभ या एडवांटेज प्राप्त होते हैं जो हमें उस टू वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर में नहीं मिलते, है ना। अब देखो मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर ही बना रहा हूँ, इसमें एक फेज के लिए एक ही लूंगा और तीनों फेज लूंगा। तीनों फेज लूंगा तो आप सपोज करो कि जो उसकी वाइंडिंग है वो डेल्टा में कनेक्ट है, जैसे मैं इधर बना रहा हूँ, ये देखना आपको। अब ये देखिए, मान अब थ्री फेज सिस्टम में तो आपको पता होगा, या तो स्टार में कनेक्ट होगा या डेल्टा होगा, क्योंकि थ्री फेज में हमारे पास दो ही तरह के कनेक्शन होते हैं, या तो स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन। तो ये आप देखिए, तो ये तीन फेज कनेक्ट है आपके, ना तीनों फेज किसमें है, स्टार में। ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर बन रहा है भैया ना, कौन सा वाला, थ्री फेज वाला। तो ये सपोज कीजिए ये आपका आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है, ठीक है। अब इसी फेज से अभी नहीं में क्या होगा, यहीं से सेकेंडरी के बाहर निकलेंगे टेपिंग निकाल के। तो जैसे मान लीजिए टेपिंग मैंने निकाल रखी है, एक फेज ये आ गया आपका, ये देखिए सर, ये तो आर फेज बाहर आ गया, ऐसे ही ये वाई फेज और ये बी फेज। तो ये ऐसे कि ऐसे आपका आर फेज बाहर आ गया आर वाली वाइंडिंग से, ये यहाँ से ऐसे जंप मार देगा, पत्नी है इसके ना, ये वाई फेज हो गया और ये बी फेज हो गया, ये हो गया आपका। अब देखो सेकेंडरी में घेरे कम है ना, सेकेंडरी में खाली देखो ये आर फेज, प्राइमरी में तो पूरे तार है वाइंडिंग के, जबकि सेकेंडरी में खाली ये थोड़े से तार है, जो भी आपके इसके अंदर ये जो टर्न्स है यही ये टर्न्स बाहर आ रहे हैं, तो आपके सेकेंडरी में जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, घेरे कम होने के कारण
जो ईएमएफ है या जो आपका वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पर फेज, है ना। ये देखिए, तो ये है आपका थ्री फेज स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और एक फेज के लिए एक ही वाइंडिंग है, आर फेज के लिए भी एक ही वाइंडिंग है, वाई फेज के लिए भी एक ही वाइंडिंग है, और बी फेज के लिए भी एक ही वाइंडिंग है। ये है आपका थ्री फेज स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, है ना। स्टेप अप होगा तो भाई प्राइमरी इधर बना लीजिए, सेकेंडरी इधर बना लीजिए, तो वो उल्टा हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा स्टेप अप, है ना। तो ये है इधर, तो ये तो है आपकी प्राइमरी, स्टार कनेक्टेड प्राइमरी, तो प्राइमरी हाई वोल्टेज है, और इधर ये है आपकी सेकेंडरी, है ना। तो कंफ्यूज मत हो आप, देखो तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज भी होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर थ्री फेज भी होता है ना, और एक फेज के लिए एक ही वाइंडिंग होती है, इसलिए हम इसे ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो इसका फेमस नाम है, इसे सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं और वन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। तो हमने वाइंडिंग की संख्या के आधार पर जो ट्रांसफॉर्मर थे उन्हें इसी प्रकार बांटा था कि एक फेज के लिए कितनी वाइंडिंग है, एक फेज के लिए एक वाइंडिंग है तो वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर होगा, एक फेज के लिए दो वाइंडिंग है तो वो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है, और उसी का हम अध्ययन करते हैं, जो भी हमने पैरामीटर पढ़े सब उसी को ध्यान में रख के पढ़े, जिसमें एक फेज के लिए दो वाइंडिंग, ठीक है ना। उसे ही नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर या ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, कौन सा वाला, जिसमें तो दो वाइंडिंग होती है एक फेज के लिए। तो ये तो बात हुई इनकी। अब इसमें एक चीज और देखो आप, जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर पूछ ली जाती है ना, तो इसमें आपकी दोनों वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है कि उसी में प्राइमरी के तार भी निकाल रखे हैं, उसी में सेकेंडरी के तार भी निकाल रखे हैं, तो भाई फ्लक्स तो पैदा होगा ही सही, क्योंकि ये कोर पे ही बांध रखी होगी वाइंडिंग आपने, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में जाती है, वो पूछेगा आपसे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पावर किन किन तरीकों से ट्रांसफर होती है। तो पहला तो चुंबकीय रूप से, मैग्नेटिकली चुंबकीय रूप से जानी है, क्योंकि तो फ्लक्स भेजेगा, फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ले जाएगा। दूसरी, ये इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट हो रही है दोनों वाइंडिंग, मतलब इसका मतलब ये जो आपका चालन के रूप में भी, एक तो मैग्नेटिकली भी जाएगी, इंडक्टिवली बोल दो चाहे उसे, मैग्नेटिकली मतलब चुंबकीय रूप से, या उसको आप क्या बोल सकते हो, फ्लक्स के रूप में, और दूसरा इसमें करंट भी लेके जाएगी कंडक्टिवली, मतलब चालक रूप से भी आपकी जो पावर है या जो एनर्जी है वो प्राइमरी से कहाँ ट्रांसफर होगी, सेकेंडरी में, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली रूप से भी जुड़ी हुई है दोनों वाइंडिंग। जबकि जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी खाली फ्लक्स के रूप में या मैग्नेटिकली जुड़ी होती है, इलेक्ट्रिकली जुड़ी नहीं होती, है ना, ये ध्यान रखना। तो आपको उसके बाद क्या लिखना है, देखिए सब, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग चुंबकीय रूप से, मैं खोमा लगा लीजिए, चुंबकीय रूप से तो ये आ जाएगा मैग्नेटिकली, मैग्नेटिकली या फिर इंडक्टिवली, ठीक है, चुंबकीय रूप से तथा चालकीय रूप से, मतलब कंडक्टिवली,
है ना, कंडक्टिवली चुंबकीय रूप से चुंबकीय व चालकीय है ना, कंडक्टिवली कनेक्ट होती है, रूप से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा है ना। अब कितनी कितनी फ्लो होती है वो मैं आपको बताता हूँ है ना, कि भाई इंडक्टिवली वे आपसे पूछेगा, वहाँ एग्जाम के अंदर आपसे पूछेगा कि भाई कितनी पावर फ्लक्स लेके जाता है और कितनी पावर करंट लेके जाती है, मतलब कितनी एनर्जी तो आपका फ्लक्स ट्रांसफर कराएगा। तो फ्लक्स जो ट्रांसफर कराएगा उससे तो आप बोल रहे हो क्या, मतलब ये चुंबकीय रूप से जो आप बोल रहे हो ये तो किसके द्वारा हो रही है, फ्लक्स के कारण। और चालकीय रूप से जो आप बोल रहे हो ये हो रही है आपकी करंट के कारण, तो करंट आपकी डायरेक्ट फ्लो हो रही है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। ठीक है, तो अब कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है प्राइमरी से और किसमें, सेकेंडरी में है ना, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें इंडक्टिवली ट्रांसफर पावर, और वो भी कौन सी वाली, केवीए, क्योंकि आपको इसकी जो जो भी रेटिंग दे रखी होगी वो केवीए के अंदर ही होगी, तो एपेरेंट पावर होगी आपकी है ना। तो इंडक्टिवली तो कितनी होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये होती है आपकी इनपुट पावर जो भी आपको रेटिंग दे रखी है, जैसे 100 केवीए का आपका ट्रांसफॉर्मर है तो ये 100 केवीए आ जाएगा यहाँ पर, इनपुट पावर इनटू, ये सब डेरिवेशन आता है लेकिन हम उनको सीधे याद करना है, 1 माइनस के, जिसमें के क्या है आपका, वही वोल्टेज रेशो E2/E1 और कंडक्टिवली ट्रांसफर पावर। ये तो है चुंबकीय रूप से ट्रांसफर पावर कितनी होती है, इनपुट पावर को 1 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इस पर सवाल भी आते हैं भाई है ना, ध्यान रखना। और कंडक्टिवली मतलब करंट जो पावर लेके जाएगी प्राइमरी से सेकेंडरी में, कंडक्टिवली ट्रांसफर पावर ये भी केवीए में आएगी क्योंकि इनपुट भी केवीए में, रेटिंग भी केवीए में दे रखी है, तो इनपुट पावर को आप मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्टली लिख देता हूँ के से इनटू के, ध्यान रखिएगा भैया ना। तो के जो है, के आपको पता ही है ये हमारा वोल्टेज रेशियो है E2/E1 या E2/E1 नहीं दे रखा हो तो क्या दे रखा होगा, N2/N1 वोल्टेज रेशियो। इसको ध्यान रखिएगा,
ठीक है, सपोज कीजिए जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, ठीक है, 100 KVA ऑब्लिक 200 ऑब्लिक 100 वोल्ट, इसको ऐसे लिखिए, चार सौ ऑब्लिक 100 वोल्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में इंडक्टिवली तथा कंडक्टिवली स्थानांतरित पावर या शक्ति आ जाएगी, स्थानांतरित पावर क्रमशः, तो भी दो पूछिए तो पहले तो कंडक्टिवली आएगी बाद में पहले तो इंडक्टिवली आएगी बाद में कंडक्टिवली आएगी ना, क्रमशः कितनी होगी, बस ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल लो, बताओ कितनी आएगी जल्दी से बता दो। इसमें डायरेक्ट लगा लो, केवी आपको दे रखी है इनपुट पावर, वोल्टेज रेशियो आप निकाल ही लो, तो इसी को हम इनपुट पावर मान लेते हैं क्योंकि दी हुई यही है हमारे पास, इनपुट पावर हमें दे रखी है 100 KVA और वोल्टेज रेशियो हम निकालें के बराबर E2/E1, मतलब आ गया हमारे पास 100/400, तो 1/4 0.25 है ना, 1/4 0.25 मान रख दो आप फटाफट। तो पहले तो कौन से निकाल लें, इंडक्टिवली निकाल लें, तो पहले इंडक्टिवली निकाल लो आप, इंडक्टिवली ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर पावर ये आई इनपुट पावर इंटू 1 - K, ये लगाना ना इनपुट पावर कितनी है 100 × 1 - 0.25, तो 0.75 आ जाएगा, तो ये तो आएगी आपके पास कितनी 75 KVA, तो कितनी बची 100 - 75 25 बची, तो 25 किसके द्वारा जाएगी कंडक्टिवली, या फिर फॉर्मूले से निकाल लो, फॉर्मूले से भी ये आएगा भाई, तो टोटल 100 KVA है ना, 100 KVA में से 75 तो इंडक्टिवली चली गई, तो कंडक्टिवली कितनी जाएगी 100 - 75, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो फॉर्मूला लगाओगे तब भी 25 ही आएगी, तो 25 KVA है ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, ऐसे निकाल देना। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो आपके पास में मेन एडवांटेज है, सबसे मेन एडवांटेज क्या है आपको साफ साफ ही दिखाई दे रहा है कि इसमें एक फेज के लिए एक ही वाइंडिंग काम में ली जाएगी, जबकि जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर था उसमें एक फेज के लिए दो वाइंडिंग थी, तो यहाँ पे सीधा सीधा सा हिसाब होता है कि आपका वाइंडिंग में जो पदार्थ लगना था, मतलब दो वाइंडिंग लगनी थी, दो की जगह यहाँ पे एक ही वाइंडिंग से काम चल रहा है, तो उस वाइंडिंग को दूसरी वाइंडिंग लगाने में जो आपका तार लग रहा था या आपका तार के अंदर जो पदार्थ था चालक पदार्थ, उसका खर्चा आपको अलग से वहन करना पड़ रहा था, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ उस एक्स्ट्रा जो कॉपर है, जो कॉपर का भाई वाइंडिंग आप कॉपर की बनाओगे, तो एक वाइंडिंग आपको नहीं लेनी पड़ रही इसके अंदर, तो यहाँ आपका मेन जो है सेविंग होगी किसकी, कॉपर की,
पैसा बचेगा बहुत ज्यादा मात्रा में। तो मेन एडवांटेज इसी का है, और इसी का फॉर्मूला वो आपसे पूछता है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना कॉपर बचता है, या कॉपर की कितनी सेविंग होती है, या फिर जो है अगर, या क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है वो इतना है, उसमें इतना कॉपर लग रहा है, अगर वो इसी रेटिंग का दूसरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाए तो उसका कितना कॉपर लगेगा, या फिर, या उसमें ये पूछ सकता है कि कितना कॉपर बचेगा, है ना, ध्यान रखना। तो मेन सेविंग जो होती है वो किसकी होती है, कॉपर की। और भी एडवांटेज हमें मिलते हैं वो मैं भी बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो मेन एडवांटेज है, जो क्वेश्चन बनता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बनता है कॉपर की सेविंग का, है ना, ध्यान रखना, किसके अंदर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो आप सबसे पहले अपन बात करते हैं अब इसमें सेविंग ऑफ कॉपर की, है ना, कितना कॉपर बचता है। इसको जल्दी उतार लो। ठीक है भाई, चलते हैं आगे, है ना। अब आप, हम बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है इसका, सेविंग ऑफ कॉपर। और भी एडवांटेज मिलते हैं जो भी हम बात करेंगे आगे, है ना। तो पहले हम बात करें सेविंग ऑफ कॉपर। देखिए क्वेश्चन इसी पे बहुत बार आता है, सेविंग ऑफ कॉपर की बात करते हैं अपन। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना, हमेशा हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर से। हमेशा तुलना इसी से होगी कि हमने दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लिया, दो वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की जगह हमने सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लिया, तो हमें क्या एडवांटेज मिले और क्या डिसएडवांटेज मिले। तो इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है ना, देखो जिस चीज की कमी होगी, जब आप दो वाइंडिंग की जगह, भाई एक तो आपका टू वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर है जिसमें आपने प्राइमरी अलग ले रखी है, सेकेंडरी अलग ले रखी है, एक आपका वन वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर है जिसमें वाइंडिंग ही एक ही है, उसी में प्राइमरी है उसी में सेकेंडरी है ना। तो कई सारी चीज़ें कम हो जाएगी, कई कुछ चीज़ें बढ़ेगी भी सही, है ना। तो मैं आपको कुछ एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, और हमेशा आप क्या ध्यान रखना, जब भी तुलना करेंगे तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तुलना होगी दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर। तो हम हमेशा जब भी तुलना करेंगे तो ऊपर अनुपात में करेंगे हमेशा, ना। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर हमेशा ऑटो ट्रांसफॉर्मर लिखना है और नीचे आपको हमेशा जो है टू वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर लिखना है जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो मैं कुछ चीज आपको बता रहा हूँ जो आपको नोट करके ध्यान रखनी है ना, ये आप हमेशा ध्यान रखना। कब, जिनमें कमी होगी, कमी वाली चीजें लिख रहा हूं मैं,
कमी वाली चीजों में क्या ध्यान रखना है, ऊपर तो आप उस चीज को लिखोगे ऑटो में, और नीचे लिखोगे आप बटे में कौन सा ट्रांसफॉर्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ऊपर तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर, नीचे टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। और यहां जब भी किसी चीज में कमी आएगी ध्यान रखना, तो वहां पे आएगा आपका वन माइनस के, जो अनुपात आएगा दोनों का वो क्या आएगा, वन माइनस के वही हमारा वोल्टेज रेशियो। और जिनमें वृद्धि होगी तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर अपनी जगह, वो राशि भी साथ में लिखेंगे जिसकी हम तुलना करेंगे। पर आप ध्यान रखना कि वृद्धि किसमें होगी, कमी किसमें होगी, वो मैं भी आपको बता दूंगा, है ना। और सभी में यही लिखना है फिर आपको, ऑटो बटा वो जो भी राशि होगी जिनकी तुलना कर रहे होंगे, ऑटो में उससे ऊपर लिखेंगे, टू वाइंडिंग में उसको नीचे लिखेंगे। और जब कमी होगी, जी सॉरी, जब कमी होगी तब तो अनुपात होगा वन माइनस के बराबर, और जब वृद्धि होगी तब अनुपात होगा एक बटा वन माइनस के बराबर, या वन अपॉन वन माइनस के बराबर, है ना। ये आप ये सब ध्यान रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अलग से ध्यान रखना, है ना। बहुत सारी राशियां आएगी जिनमें कुछ राशियों में वृद्धि होनी है, कुछ राशियों में कमी होनी है ना। अब बात करें हम किसमें, जैसे कॉपर की बात करें तो आपको साफ साफ पता है कि कॉपर की तो कमी होगी इसमें, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में इसमें कॉपर कम लगेगा, क्योंकि तो वहां पर टू वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर में कॉपर ज्यादा लग रहा था, और वन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में कॉपर कम लगेगा। तो कमी वाली में हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, कमी होगी तो ऊपर ऑटो नीचे टू वाइंडिंग, तो अनुपात आएगा वन माइनस के, है ना, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो कॉपर में कमी आएगी इसमें, कॉपर के बाहर में, तो आप यहाँ लिखोगे कमी वाला, आपको ये ध्यान रखना है जिनमें कमी आ रही है उनमें अनुपात जो है वन माइनस के। तो यहाँ लिखोगे आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का भार, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का भार अपॉन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में, टू वाइंडिंग मतलब जो हमारा सामान्य ट्रांसफॉर्मर है, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का भार, यही तो कम होगा, कॉपर का वजन कम हो जाएगा, कॉपर कम लगेगा तो हमारा पैसा बचेगा उतना। तो जो कमी आ रही है उनमें अनुपात, और ऑटो ऊपर लिखना है, टू वाइंडिंग नीचे लिखना है, और बराबर आएगा किसके, वन माइनस के, क्योंकि कमी हो रही है आपको पता ही है कि कॉपर की कमी आ जाएगी, कॉपर की बचत होगी इसमें हमारी, और उतना है पैसा भी हमारा बचेगा, ठीक है। तो ये देखो आप, है ना, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो भाई, भार है ना, भार किस में होगा, वेट है ना, किलोग्राम में होगा। तो आप इसे बताओ, इसे लिख दो टू, और यहाँ छोटा सा लिख दो ऑटो, ये हो गया W, है ना, W हो गया वेट। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का भार बटा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का भार, ये मैंने बता दिया WTW है ना, ये तो ऑटो, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का भार बटा टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कॉपर का भार, ये आ गया वन माइनस के, ठीक है। अब वो आपसे कहे क्वेश्चन में, वो आपसे क्वेश्चन में कहे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना कॉपर लगेगा, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना कॉपर लगेगा, वो तो यही सही, W ऑटो बराबर, ये WTO कहां चल जाएगा, इधर वज्रगुणों के, तो आपके पास आ जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का भार, यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो आपसे पूछेगा, तो क्वेश्चन में आपको पता भी होना चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, बराबर है ना। ये इतना कितना लगे, ये जो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर वाला कॉपर का भार है, ये इधर आ जाएगा वज्रगुण होके, तो ये हो जाएगा वन माइनस के इंटू W टी ओ, ठीक है ना। ये और ये सब किसमें आएगा, किलोग्राम में, या ग्राम में दे रखा होगा तो ग्राम में आ जाएगा, वैसे किलोग्राम में ही आता है ना। अब ये तो निकला कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना कॉपर लगेगा,
लेकिन अगर वो पूछ ले कितना कॉपर बचा तो क्या करना है? कॉपर की बचत, तो फिर किस में से किसको घटाओगे? तो आप क्या करोगे कि टू वाइंडिंग वाला जो भार है उसमें ऑटो में कितना लगा उसको घटा दोगे, ये तो करोगे आप। तो क्या करोगे आप घटाओगे टू वाइंडिंग, ऐसे लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में भाई आपको ये तो पता ना कि कितना कोर बचा, तो किससे तुलना करोगे? टू वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर से, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का भार माइनस ऑटो में कितना लगा, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का भार, ठीक है। अब यहां आप निकालोगे कॉपर की सेविंग, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या था भाई, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में सॉरी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का जो भार था उससे किससे दिखा रहे थे, TW से, ओ से है ना, माइनस ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना कॉपर लगा उसे बता रहे थे W ऑटो से। तो मान रखो देखो ये तो अपनी जगह ही है WTWO माइनस, अब ये ऑटो वाला घटाओ तो देखो ऑटो वाले का मान ये ना, अभी लिखा ना आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना कॉपर लगेगा वो आपने ये लिखा अभी, तो माइनस, तो ये लिख दूं मैं ऑटो में कितना कॉपर लगा, ये आएगा ना, कितना है ये 1 - K × TWO, ये आ जाएगा आपके पास में कॉपर की बचत कितनी आई, देखो इसको सोल्व करो पूरे को। तो आप ये कोष्टक को खोलोगे तो एक बार तो WTO किससे गुणा हो जाएगा, एक से, तो माइनस का होगा तो आगे वाला W ये WTW से, पीछे वाला WTO कैंसिल हो जाएगा, और जब कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस और K गुणा हो जाएगा WTWO से। इसको मैं पूरा लिख दू, ठीक है ना भाई, इससे तो जब ये पूरा खुलेगा कोष्टक तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा एक और क्या हो जाएगा प्लस का, और डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू भी गुणा होगा इससे, तो डब्ल्यू टी डब्ल्यू ओ गुणा होगा एक से, तो ये माइनस का होगा और इससे कट जाएगा, तो आपके पास खाली बचेगा, आपके पास केवल बचेगा K × W TW।